यस हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन सो वेलकम टू द सेशन तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी लंबा रास्ता हम लोग तय कर चुके हैं पॉलिटी को कंप्लीट करने का ये जो पूरा हमारा मेन एजेंडा था कि हाँ पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट हम ये चाहते हैं कि पूरी से हम इसको कंप्लीट कर दें राइट right? तो हमने स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी काफ़ी बेसिक क्लासेस भी किए हमने उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज डी फिर आपका प्रेसिडेंट का पोर्शन पढ़ा पार्लियामेंट पढ़ा तो आज बहुत सोच समझ के मैंने आज टॉपिक डाला ठीक है तो जब टॉपिक डालना होता है ना कि क्या टॉपिक पढ़ाना है तो मैंने टॉपिक डाला स्टेट एग्जीक्यूटिव तो बड़ा मेरे को प्राउड फील हुआ ये सोच के कि क्योंकि जो बच्चे अभी तक सत्रह क्लासेस मेरे कर चुके होंगे उनको अब ये दिक्कत नहीं होगा अगर मैं बोल दूँ कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी है ना तो अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कभी इसमें डाउट करेंगे या कन्फ्यूज़ होंगे कि मैम ने आज टॉपिक डाला है स्टेट एग्जीक्यूटिव कल मैम टॉपिक डालने वाली हैं स्टेट लेजिस्लेचर अच्छा फिर मैम डालेंगे टॉपिक स्टेट जुडिशरी क्योंकि आप लोग ऑलरेडी यूनियन में यूनियन में बड़ा बच्चा जैसे तुम लोगों को पढ़ाया है कि प्रेसिडेंट फिर प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल तो ये सब बहुत एक एक कदम एक एक कदम करके हम लोगों ने तय किया है तो जब अब हम लोग ऐसे बोल देते हैं एक ही बार में स्टेट एग्जीक्यूटिव तो टेंशन नहीं होता है कि चलो ठीक है बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ गवर्नर के बारे में मैम पढ़ाएंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ा देंगी उसमें से चीफ मिनिस्टर तो पढ़ाना होगा ही और क्योंकि अटॉर्नी जनरल पढ़े थे तो एडवोकेट जनरल भी पढ़ाना पड़ेगा यानी कि जितने भी ऑफिसर टाइप मतलब जो पोस्ट लेकर रखे हुए हैं जो कि जो हमारे कानून को क्या करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं लागू करते हैं लेकिन इस बार हम यूनियन का बात नहीं कर रहे इस बार हम आपके स्टेट का बात कर रहे हैं बहुत एम एल एम करके आप लोग बात सुन चुके हैं है ना तो क्यों ना आज हम लोग इसके बारे में पूरा चर्चा कर ही लें तो क्या बात है कि ये एक छोटा सा स्टेट है और इस स्टेट को कोई भी स्टेट ले लो तुम्हारा स्टेट मेरा स्टेट कोई भी स्टेट इस स्टेट को हमने डिवाइड कर दिया है स्टेट को हमने निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइड कर दिया है निर्वाचन क्षेत्र बोले तो निर्वाचन क्षेत्र बोले तो ये जो है ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्युएंसी कॉन्स्टिटुएंसी इलेक्शन क्योंकि निर्वाचन होगा और उसका कॉन्स्टी कॉन्स्टिच्युएंसी ठीक है तो इसको हमने स्टेट को इस तरह से निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइड कर दिया है अब उसमें से एक निर्वाचन क्षेत्र को लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इसको ठीक है अब इस निर्वाचन क्षेत्र को लिए हम लोग ये क्या है स्टेट है स्टेट है. को हमने इस तरह से डिवाइड किया है जब इसको ले लिए हम लोग तो इसमें बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे ठीक है अब ये जो स्टेट का एक निर्वाचन क्षेत्र है कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये लोग क्या कहला रहे हैं ये लोग कहला रहे हैं आम आदमी द मैंगो पीपल ठीक है अब इन्होंने क्या किया कि एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना अभी तक जितनी कहानियां हमने पढ़ी है उसको हम स्टेट लेवल पर पढ़ रहे हैं ठीक है तो हमने एक व्यक्ति को चुना कि ये व्यक्ति बड़ा स्मार्ट है बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है इसको चुन लो और ये क्या करेगा ये तुम्हारे ये तुम्हारे स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, बस आपके घर में जो प्रॉब्लम है उसको ये सरकार के सामने रख दे चाहे वो पानी का प्रॉब्लम हो चाहे वो एजुकेशन का प्रॉब्लम हो चाहे वो रोड का प्रॉब्लम हो कोई भी तरह का जो भी प्रॉब्लम होता है उसको वो स्टेट के सामने रख दे और बोले कि हाँ बेटा चिंता मत करो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है प्रॉब्लम है हम सरकार के सामने रख देंगे तुम्हारा प्रॉब्लम तो आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुना और हमने इसको प्यार से बोल दिया एम एल ए है, ये क्या है एम एल एमएलए बोले तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं सॉरी क्या बोल रहे हूं एमएलए है ना असेंबली बोलेंगे ना हम भी कभी कभी ठीक है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है तो ये जो हमारा स्टेट है हमने इसमें से एक निर्वाचन क्षेत्र में एमएलए को चुन लिया है अब MLA को जो हमने चुना है एमएलए को हमने डायरेक्ट हाँ वो एमएलसी होता है बताते हैं विधान परिषद बताएंगे ऐसा थोड़ी हमको नहीं पता है, पता है 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 ठीक तो MLA जो होता है, MLA, हाँ, उसको हम लोग क्या करते हैं खुद चुनते हैं तो जब हम लोग इसको खुद चुनते हैं यार तो तो चुनने को तो तुम इलेक्शन बोलोगे और हम लोग चुन रहे हैं तो क्या इसको डायरेक्ट इलेक्शन नहीं बोल दोगे हम लोग इसको बोल देंगे डायरेक्ट इलेक्शन तो एम को हम लोग खुद चुनते हैं तो हम लोग इसको बोल दिए कि डायरेक्ट इलेक्शन है हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसको को एम को ठीक है? तो ये बात हो गई ठीक है ये बात हो गई क्लियर कट बात हो गई कि स्टेट में स्टेट में एक विधानसभा होता है हर स्टेट में क्या होता है एक विधानसभा होता है जिस तरह से आपका लोकसभा है वैसे यहां पे विधानसभा है और विधानसभा को आप इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव क्योंकि ये कानून बनाते हैं असेंबली असेंबली ठीक है सभा है ये ठीक है और उसके मेंबर को आप एमएलए बोलते हैं ठीक इतनी बात क्लियर हो गई अब जैसे ही जिस स्टेट से जो हमारा स्टेट था प्यारा सा तो जिस स्टेट से जिस पार्टी का सबसे ज्यादा आदमी चुनाएगा उस पार्टी का उस स्टेट में क्या बन जाएगा सरकार बन जाएगा है ना जैसे कि बिहार में है अभी एनडीए का सरकार है जेडीयू है बीजेपी है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है यूपी में बीजेपी की सरकार है तो क्यों क्यों क्योंकि जब इलेक्शन हुआ तो तुम लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्टी के हिसाब से वोट दिए अब भले तुम्हारा दूसरा बात होगा कि वो मेरे जाति का है वो मेरे धर्म का है वो हमको सौ रुपया दिया था पिछले महीने बहुत सारा कारण होता है ठीक है तो तुम लोग ने किसी भी कारणवश वोट दे दिया अब वोट दे के जो जो आया वो एम एल ए कहलाया अब जो जो आया वो एम एल ए कहलाया ये तो चलो ठीक है है ना तुमने वोट दे दिया एमएलए कहला गया और वो एमएलए जो है सारे लोग आकर बैठ गए बैठ गए एक एम एल हो को ये नहीं पता गैंग गैंगटोक इनसाइड इंडिया है आउटसाइड ठीक है वहां वही बोल रहे हैं ना बहुत सारा कारण होता है ठीक है अब जो जो चीज बेटा तुम प्रेसिडेंट में पढ़े थे जो जो चीज़ तुम प्रेसिडेंट में पढ़े थे वही वही चीज़ वही वही काम यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नर करते हैं बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बस गवर्नर जो हैं वो ना इलेक्ट होते हैं वो इलेक्ट नहीं होते हैं ना नॉमिनेट होते हैं गवर्नर को प्रेसिडेंट क्या करते हैं अपॉइंट करते हैं ठीक है गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट केंद्र सरकार में जिसको जिसको अपॉइंट करते हैं उसी तरह से राज्य सरकार में गवर्नर उन लोगों को अपॉइंट करेंगे जैसे कि ये प्राइम मिनिस्टर को करेंगे तो वो चीफ मिनिस्टर को करेंगे इस तरह से पूरा काम चलते रहेगा और सिमिलरली जो काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं केंद्र में वही काम आपके चीफ मिनिस्टर करेंगे सेंटर में बड़ा इजी सा चैप्टर है इसमें ज़्यादा कोई टेंशन का बात ही नहीं नो बात ऑफ टेंशन ठीक है तो बस इसको हम लोग ऐसे करके पढ़ लेंगे ठीक तो एक तो हम लोग आज एक ऐसे ही पढ़ लेते हैं बेसिक बेसिक में तो देखिए जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं पार्ट सिक्स में 153 फिफ्टी इम्पॉर्टेंट है जो कि कहता है गवर्नर होना चाहिए स्टेट में एग्जीक्यूटिव पावर वहाँ पे क्या था प्रेसिडेंट के पास था यहाँ गवर्नर के पास है वहाँ पे पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास था यहाँ गवर्नर के पास है वहाँ अटॉर्नी जनरल थे यहाँ एडवोकेट जनरल हैं वहाँ प्रेसिडेंट आर्टिकल वन टू थ्री में पावर था उनके पास ऑर्डिनेंस का यहाँ पे टू गवर्नर के पास है वहाँ सुप्रीम कोर्ट था यहाँ हाई कोर्ट है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड था यहाँ पे हाई कोर्ट के पास है रिकॉर्ड्स वहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास रिट का पावर था यहाँ हाई कोर्ट के पास है वहाँ अपॉइंटमेंट ऑफ देखिए एक बात ध्यान रखेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं है ना डिस्ट्रिक्ट जज का वहां पे सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का दोनों का प्रेसिडेंट करते थे ठीक है सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी ठीक है और कंट्रोल ओवर सब कोर्ट सब कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उससे नीचे के जितने कोर्ट्स हैं चलिए ठीक है तो ये सब चीजें हमने यहां पे पढ़ ली समझ भी ली तो यानी कि हम कह सकते हैं अब हम कह सकते हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव वहां पे यूनियन एग्जीक्यूटिव वहां पे क्या क्या थे प्रेसिडेंट थे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर थे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल थे यहाँ पे क्या क्या है गवर्नर है चीफ मिनिस्टर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एडवोकेट जनरल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई उसके बाद देखिए एक बात बस है कि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट एक ही हो सकता है ठीक है गवर्नर भी हर स्टेट के एक होते हैं लेकिन एक कौन ये अमेंडमेंट आया जो कि सेवेंथ अमेंडमेंट था 1956 में और इसमें बोला गया कि एक काम कर सकते हैं कि आप एक ही आदमी को सेम पर्सन को गवर्नर बना सकते हैं दो या दो से अधिक स्टेट्स के एक ही आदमी को गवर्नर बना सकते हैं दो या दो से अधिक स्टेट्स के ठीक है तो ये बात हो गया है क्योंकि बीच में भी बहुत बार हुआ है कि बंगाल और बिहार का एक ही गवर्नर है और इस तरह से होता रहता है इसको कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को हमेशा प्रेसिडेंट अपॉइंट ठीक है।, है गवर्नर कितने साल के लिए होते हैं पांच साल के लिए गवर्नर होता है लेकिन ये काम कब करते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अब इसका मतलब क्या है मैम ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का क्या मतलब आप बता रही हैं तो प्रेसिडेंट के प्लेजर का मतलब ये होता है कि देखिए प्रेसिडेंट अपने हिसाब से तो कोई काम करेगा नहीं है तो आप जानते हैं किसके हिसाब से करेगा इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो प्रेसिडेंट हमेशा काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि असली में क्या होता है सरकार होता है सरकार क्या करता है प्रेसिडेंट से काम कराता है ठीक है तो प्रेसिडेंट से काम कौन कराता है सरकार करवाता है इतना बात तो चलो ठीक है ठीक है क्लियर है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं गवर्नर को अपॉइंट करते हैं अभी अपने मन से तो करेंगे नहीं ना जो सरकार बोलेगा उसी हिसाब से करेंगे अब मान लीजिए कि सरकार बदल गई बीजेपी सरकार थी तो इन लोग ये जो है अपने लोगों को गवर्नर बना के रखे थे लेकिन अचानक से किस चीज की सरकार आ गई मान लीजिए कांग्रेस सरकार आ गई ठीक है तो ये प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि आप उन लोगों को हटा दीजिए अब मेरे हिसाब से मेरे लोगों को गवर्नर बनाइए ये तो बोलेंगे ही नॉर्मल सा बात है तो वो रातों रात गवर्नर के पद से हट जाएंगे और नए गवर्नर बन जाएंगे अगर सरकार बदल गई अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा चाहते हैं तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे रहते हैं गवर्नर लेकिन ऐसा तो कुछ मैंशन नहीं है लेकिन हमारा प्रोटोकॉल है कि कम से कम पाँच साल तक गवर्नर रहते हैं और अगर पांच साल से अधिक रहे तो फिर गवर्नर दूसरे फिर या तो उनको कंटिन्यू कराया जाता है या फिर प्रेसिडेंट जो है वो समय समय पर बदलते रहते हैं अब गवर्नर अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं प्रेसिडेंट तो किसको देता था वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को गवर्नर भी अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे देते हैं ठीक है ये बात भी हम लोगों को समझ में आ गई मैडम ओके okay, नेक्स्ट तो यानी कि मोटा मोटी बात सेम है तो क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी समझेंगे तो हो जाएगा ठीक है तो क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है एग्जीक्यूटिव पावर आपके गवर्नर के पास है ये तो हो गया क्लियर और गवर्नर जैसे कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट रहते हैं तो गवर्नर इज हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव ये भी बात चलो ठीक है अब आपसे पूछा जाएगा कि पोर्टफोलियो सिस्टम की फलाना मंत्री ढिकाना मंत्री जितने भी पोर्टफोलियो हैं ये सिस्टम किस साल से आए हैं तो आप बोलेंगे कि लॉर्ड कैनिंग जब हम क्लास नंबर वन में तुमको पढ़ाए थे तो बोले थे कि एटीन में आए हैं ठीक अब गवर्नर क्या करते हैं ये चीफ मिनिस्टर और बाकी मंत्री को अपॉइंट करते हैं ठीक है बाकी मंत्री को चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं और ये लीडर ऑफ पार्टी जिसके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं अगर मान लीजिए कि मेजोरिटी नहीं है तो यानी कि जैसे बिहार में हुआ था कि जेडीयू और आरजेडी में हो गया था तो वो गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको बुलाएगा अपना सरकार बनाने के लिए समझ में आया ठीक है ओके तो ये किसको अपॉइंट करते हैं अटोर्नी जनरल को नहीं वो प्रेसिडेंट करेंगे ये एडवोकेट जनरल को करते अब इसका क्या मतलब है एडवोकेट जनरल बोले तो आर्टिकल नंबर 165। इसमें क्या है इसमें बोला जाता है कि देखो केंद्र सरकार पे तो अगर केस हो सकता है तो गई राज्य सरकार पे भी तो हो सकता है ना डिप्टी गवर्नर कुछ नहीं होता है ठीक है राज्य सरकार पे भी तो हो सकता है तो अगर तुमको स्टेट ऑफ बिहार पे केस हो जाए या स्टेट ऑफ राजस्थान पे केस हो जाए या स्टेट ऑफ तमिलनाडु पे केस हो जाए स्टेट ऑफ उत्तराखंड पे केस हो जाए तो इन केसेस को कौन सॉल्व करेगा इन केसेस को सॉल्व करते हैं एडवोकेट जनरल एडवोकेट जनरल यानी कि ये सरकारी वकील नहीं है ये सरकार के वकील है अगर सरकार पे राज्य सरकार पे किसी तरह का कोई केस हो गया तो राज्य सरकार को कौन बचाएगा एडवोकेट जनरल ठीक है यूपीएससी के चेयरमैन को प्रेसिडेंट करते थे बीपीएससी यूपीपीसीएस एमपीपीसीएस सुने होंगे आप लोग इनके जो चेयरमैन हैं उसको गवर्नर करते हैं ठीक है समझ में आ गया उसके बाद सब ऑर्डिनेट जुडिशरी यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज और उसके नीचे वाले जो है हाई कोर्ट याद रखिएगा बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज कर जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को तो मैम प्रेसिडेंट करते होंगे हाई कोर्ट वाले गवर्नर नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही प्रेसिडेंट करेंगे ठीक है बालक लेकिन सबऑर्डिनेट ऑर्डिनेट जुडिशरी यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज और उसके नीचे यानी हाई कोर्ट के जितने भी नीचे हैं उनको गवर्नर करेंगे गवर्नर जो हैं वो चांसलर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पास होंगे तो उसके चांसलर जो हैं गवर्नर होते हैं तो वाइस चांसलर को गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं ठीक है तो गवर्नर क्या होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं स्टेट रन यूनिवर्सिटी के अब प्राइवेट का बात नहीं कर रहे हम और उसके जो वाइस चांसलर है उसको गवर्नर अपॉइंट करेंगे ठीक है क्लियर है तो देखिए यहां पे लिखा है कि नो पावर टू अपॉइंट द जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट ही मेक कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट भले उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं लेकिन अपॉइंट तो हमेशा प्रेसिडेंट ही करते हैं ठीक है इतनी बातें हम लोग समझ चुके हैं लेजिस्लेटिव पावर अब जैसे कि वहां पे बिना प्रेसिडेंट के साइन के बिना नहीं बन सकता था एक्ट तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर जो है इनके पास है और बुलाने का सत्र को बुलाने का समन करने का बहुत ध्यान से पढ़ाएं आपको समन वो कौन करेंगे प्रेसिडेंट करेंगे यहाँ गवर्नर करेंगे भगाने का यानी कि प्रोरोक करने का यहाँ गवर्नर करेंगे डिजोल्व करने का भंग कर देना ठीक है असेंबली को भंग कर देना यहाँ गवर्नर करेंगे ये सब बातें आपको समझ में आ गई हैं राइट टू एड्रेस द लेजिस्लेचर एड्रेस करेंगे उसको मैसेज भेजेंगे जो जो प्रेसिडेंट करते हैं यहाँ गवर्नर करेंगे बिना गवर्नर के साइन के यानी कि असेंट के कोई भी कानून नहीं बन सकता है यह भी आपको समझ में आ गया है ये असेंट दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं या अपना पॉकेट भी यूज कर सकते हैं अब ये सब बातें भी आपको शायद याद होंगी वीटो में हम लोग पढ़े थे वीटो में क्या पढ़े थे कि एक हाउस से बिल जाएगा हाउस नंबर टू में एक हाउस से हाउस नंबर टू में जाएगा और फिर प्रेसिडेंट के पास आएगा साइन करने के लिए और इसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली जहां जहां है तो वहां से सीधे गवर्नर के पास जाएगा और हमारे पास कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश बिहार यूपी है ना, तमिलनाडु और उसके बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश तो हो गया ठीक है तो ऐसे करीबन हमारे पास छह स्टेट है ठीक है जो कि जो कि जिनके पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है असेंबली के साथ साथ असेंबली के साथ साथ काउंसिल भी है और इसको आप विधान परिषद कहते हैं ठीक है तो कुछ ऐसे स्टेट है तो वो हाउस नंबर वन टू हो गया वरना ज़्यादातर स्टेट जो है उनके पास क्या है उनके पास आपका सिर्फ और सिर्फ असेंबली है तो असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा जो है वो गवर्नर को जब कोई भी बिल देता है तो गवर्नर क्या करेगा कि मना कर देगा हम इस पर साइन नहीं करेंगे ये एप्सोल्यूट एप्सोल्यूट वीटो है या फिर बोलेगा कि हम इस पर साइन कर देंगे तो वो तो ठीक है या बोलेगा कि रिकंसिडर कर लीजिए रिकंसिडर कर लीजिए तो उसके बाद उसको साइन करना ही पड़ेगा तो ये सस्पेंसिव है ये सब पढ़ा चुके हैं प्रेसिडेंट में है ना और या तो कुछ नहीं बोलेगा तो वो पॉकेट वीटो है बस गवर्नर के पास एक और पावर है कि वो रिकन्सिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए भी उसको बचा के रख सकता है किस चीज के लिए तो आइए समझ जाते हैं देखिए तो गवर्नर जो है वो पहले करते थे कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी एक आदमी को अपॉइंट करते थे प्रेसिडेंट राज्यसभा में बारह लोगों को अपॉइंट करते हैं गवर्नर जहां जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है छह लोगों को अपॉइंट करते हैं अब जब बिल पास होता है लेजिस्लेचर से स्टेट के तो वो गवर्नर के पास जाता है वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं रिजेक्ट कर सकते हैं लेकिन मनी बिल को वो कुछ नहीं कर सकते उनको वो सीधे मनी बिल को वो कंसिड्रेशन के लिए नहीं भेज सकते ठीक है और बाकी वो क्या करेंगे मनी बिल को उनको पास करना ही पड़ेगा तो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के लिए भी कंसिडरेशन के लिए भी बिल को बचा के रख सकते हैं तो ये सारा सेम है बिल्कुल वैसा ही जैसा हम लोग उसमें पढ़े थे प्रेसिडेंट में ठीक है अब एडवोकेट जनरल में देख लीजिए ये हाईएस्ट ऑफिसर है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है तो ये गवर्नर इसको अपॉइंट कर देते हैं और एडवोकेट जनरल बनने के लिए क्या करना है जैसे वहाँ पे था कि कम से कम आपको जज ऑफ सुप्र जज ऑफ हाई कोर्ट रहना चाहिए तो यहाँ पे बस है कि ही मस्ट क्वालिफाई एज जज ऑफ हाई कोर्ट ठीक है तो ये बस जज ऑफ हाई कोर्ट के जितना इनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए और और गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं ये सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं ये अपना रेजिग्नेशन भी गवर्नर को ही देते हैं ठीक तो इनका राइट्स है इनका लिमिटेशन है जो कि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए इसको आगे बढ़ सकते हैं चलिए ठीक है तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर अब क्वेश्चन आंसर करते हैं अब क्वेश्चन आंसर में आप बताते जाइए एक एक करके चलिए अब बताइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाँ जी और आठ बजे का करंट अफेयर्स जो नहीं देख रहा है वो गड़बड़ कर रहा है स्टेट में उतना कुछ है नहीं सब कुछ सेम सेम है तो बस हम आपको आर्टिकल्स दिखाना चाह रहे हैं और क्वेश्चन बनवाना चाह रहे हैं पहला क्वेश्चन है कि वेन अ स्टेट गवर्नर डाइज और डिजाइन हु नॉर्मली एक्सरसाइज हिज फंक्शन अंटिल अ न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड तो अभी तक आप लोग पढ़े थे कि प्रेसिडेंट अगर नहीं रहेंगे तो प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ठीक है और अगर वो भी नहीं रहेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो भी नहीं रहेंगे तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेकिन हाँ नहीं जरूरत तो पड़ेगा ना मनीष कुमार क्योंकि वहां पे बाकी सब्जेक्ट्स भी हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं यहां तो अभी तक बस पॉलिटी ही हो रहा है ठीक है जरूरत पड़ेगा तो अब आप बताइए कि गवर्नर का अगर डेथ होता है तो कौन रहेंगे तो ये देखिए वाइस गवर्नर या डिप्टी गवर्नर तो ऐसा कुछ है नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गवर्नर का काम करते हैं अगर गवर्नर का डेथ हो जाता है तो और क्योंकि इसमें इलेक्शन का बात नहीं है तो तुरंत ही बाकी दूसरे गवर्नर जो हैं वो अपॉइंट कर दिए जाते हैं लेकिन तब तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे प्रेसिडेंट को तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल रहेंगे गवर्नर को ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है कि अभी तक कौन से ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे हैं जो कि लॉन्गेस्ट सबसे लंबे समय तक रहे क्या आप लोग को कोई आइडिया है कि कौन से ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे हैं पहले तो आप बताइए कि जो सब चीफ मिनिस्टर हैं है ना चिन्मन भाई पटेल ज्योति बसु हितेश्वर सायका या भजन लाल ज्योति बसु थे लेकिन अब क्या हो गया है कि पवन कुमार पवन कुमार चामलिंग ये सिक्किम के गवर्नर हैं मतलब चीफ मिनिस्टर थे और ये 2019 तक एस पार्टी के सिक्किम के ये चीफ मिनिस्टर रहे और ये जो ज्योति बसु है ये भी काफ़ी टाइम ट्वेंटी ये रहे करीबन तेईस साल 137 डेज तो ज्योति बसु वेस्ट बंगाल के थे लेकिन अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है पवन कुमार चामलिंग द्वारा तो इसको आप याद रखेंगे पवन कुमार चामलिंग जो कि सिक्किम के हैं हम ऑप्शन में नहीं दिए थे लेकिन यही है ठीक है अब देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हम लोग पढ़े हैं तो वहां से सबको मिलता था सैलरी और अलायंस प्रेसिडेंट को मिलता था यहां पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलता है ठीक नेक्स्ट है मार्क द करेक्ट तो पहला है कि नो कोर्ट हैज द पावर टू कंपेल द गवर्नर टू एक्सरसाइज और नॉट टू एक्सरसाइज एनी पावर और टू परफॉर्म और नॉट टू परफॉर्म एनी ड्यूटी यानी कि कोर्ट क्या है मना नहीं कर सकता है गवर्नर को कि आप क्या कीजिए क्या नहीं कीजिए पहला द गवर्मन द गवर्नर कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन एनी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ऑफ एनी एक्शन तो जिस तरह से प्रेसिडेंट नहीं हो सकते थे वैसे गवर्नर नहीं हो सकते तो क्या है स में गलत है फर्स्ट तो गलत है लेकिन सेकेंड में क्या है कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड ऐसा नहीं है प्रोसिक्यूट किया जाएगा लेकिन उनको पहले नोटिस दिया जाएगा और वो क्रिमिनल केस के लिए है सिविल केस के लिए नहीं समझ में आया चलें। नेक्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट गवर्नर कैन रिफ्यूज टू गिव द असेंट टू अ बिल सही बात है गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यह भी बात सही है कि उनके कंसिडरेशन के लिए गवर्नर में रिफ्यूज टू तो इन्वाइट अ लीडर ऑफ पार्टी इन विधानसभा नॉट कमांड द मेजोरिटी ऑफ द हाउस तो मेजोरिटी अगर उनके पास नहीं है तो हां गवर्नर में डिसमिस द स्पीकर ऑफ विधानसभा इन द चेयरमैन ऑफ विधान परिषद तो देखिए ऐसा नहीं है डिसमिस का कोई बात नहीं होता है स्पीकर जो है वो चुना के आते हैं तो क्योंकि स्पीकर चुना के आते हैं प्रेसिडेंट भी स्पीकर को नहीं हटा सकते हैं उसके लिए इम्पीचमेंट चाहिए तो उसी तरह गवर्नर भी नहीं हटा सकते हैं जो आदमी चुना के आए उसको कैसे हटा दीजिएगा है ना तो जो चुना के आए भले

एनडीसी में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं और सारे स्टेट के सीएम जो है वो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर बन जाते हैं ठीक नेक्स्ट ये है अच्छा पीछे जा रहे हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्वेश्चन ऑफ डिस्कालिफिकेशन ऑफ ए ऑफ़ स्टेट लेजिस्लेचर मे बी डिसाइडेड बाई तो कौन डिसक्वालीफाई करता है स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी मेंबर को कौन डिसाइड करेगा तो ये ऑब्वियस बात है कि गवर्नर लेकिन ये कंसल्टेशन लेंगे किससे इलेक्शन कमिश्नर से वहाँ पे प्रेसिडेंट लेते थे कंसल्टेशन अब ये लेते हैं गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट करते हैं बहुत आराम से बात बता दीजिएगा मैक्सिमम परमिसेबल पीरियड बिटवीन टू सेशन दो सेशन के बीच में कितना टाइम होना चाहिए हमेशा 6 महीने से कम होना चाहिए ठीक है अब देखिए गवर्नर का पावर क्या है पहले कि ये जो है वो चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करेंगे अगर कोई भी सिंगल पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है उसके बाद डिसमिसिंग द मिनिस्ट्री एट अ टाइम रिजर्विंग अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट तो ये जितने भी काम है ये क्या हुआ ये जितने भी काम है उसको ये करेंगे लेकिन लेकिन फिर से वही बात है कि डिसमिस नहीं कर सकते किसी भी मिनिस्ट्री को क्योंकि वो चुना के आ रहे हैं क्योंकि वो चुना के आ रहे हैं ठीक है ओके नेक्स्ट वांट टू नो अबाउट ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं ऑनलाइन क्लासेस है पेड में भी ऑनलाइन क्लासेस है ठीक है द मेंबर ऑफ काउंसिल जो होते हैं काउंसिल में कैसे टाइप के इलेक्शंस होते हैं तो देखिए काउंसिल में आपको सब तरह के इलेक्शन मिल जाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और नॉमिनेटेड काउंसिल यानी कि विधान परिषद ठीक है मिनिस्ट्री को कौन डिटरमाइन करेगा तो हमेशा मिनिस्ट्री को यहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर ही डिटरमाइन करेंगे ओके नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज इलेक्टेड बाई लेजिस्टिव असेंबली अपॉइंटेड बाई मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड डिटरमाइन द सैलरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर क्या काम करेंगे इनमें से इनमें से ये सिर्फ एक ही काम करेंगे डिटरमाइन द स्ट्रेंथ यानी कि कितने मंत्री रखना है बस उसको डिसाइड करेंगे अपॉइंट नहीं कर सकते वो गवर्नर करेंगे इलेक्ट नहीं कर सकते वो लोग करेंगे है ना और सैलरी थोड़ी डिटरमाइन करेंगे वो तो आपका स्टेट लेजिस्लेचर करेगा आप जानते हैं कि ये सब काम जो है रूल रेगुलेशन का वो पार्लियामेंट बनाता है तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा फिर नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा इज विधानसभा में कितने सीट्स होते हैं तो इसको आप याद कर लीजिएगा ये बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा गया है कि टू बी नॉट मोर देन 500, 500 से ज्यादा नहीं हो सकता बट नॉट लेस देन 60 नहीं हो सकता ठीक है और एक्सेप्शन इज रिकोगनाइज इन द केस ऑफ वन स्टेट वाइल ओनली थर्टी सीट्स ठीक है तो ये कौन सा स्टेट है जिसमें सिर्फ बत्तीस सीट्स है तो बेसिकली ये आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव रहा ठीक है अब देखिए चीफ मिनिस्टर में भी आपने जो जो बातें सुनी है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है आप पीपीटी में देख सकते हैं यहां पे, ठीक है हाँ आपको पीडीएफ देंगे तो उसमें से एक बार एक राउंड पढ़ लीजिएगा इसमें कुछ भी नया नहीं है आप सब कुछ जानते हैं ये सब कुछ आप जानते हैं ठीक है तो यही स्टेट एग्जीक्यूटिव था शॉर्ट रख है ताकि आपको पता है कि हम लोग ऑलरेडी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव में पढ़ चुके हैं वही चीज़ है इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव जुडिशरी करके हम लोग इसको राउंड अप मतलब रैप अप कर देंगे फाइन और अगर आपको इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट भी मेरे द्वारा पढ़ना है और टेक और नॉन टेक का पूरा पूरा तैयारी करना है एस का एग्ज़ाम है या बाकी एग्जाम से तो आप महापैक ले सकते हैं फाइन आज आपने क्या करना है कि आपको बस सिंपली जाना है सुनिएगा गूगल पे गूगल में आपने जाना है यहां पे अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पे फिर आपको वेबसाइट पे जाना है वेबसाइट पे, वेब पे जाते ही आपको ऑल कोर्सेज में जाना है जब आप ऑल कोर्सेज में जाते हैं तो आप सीधे जा सकते हैं यहाँ इंजीनियरिंग एग्जाम में आज आप एसएससी का भी क्लास ले सकते हैं अलग से तो सब में आज डबल वैलिडिटी है चाहे आप यहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल लें या फिर महापैक लें या सीधे नॉन टेक का बैच लें तो नॉन टेक का अगर आप बैच लेते हैं तो आपका पूरा नॉन टेक पोर्शन हम कंप्लीट करवा देंगे ये तो आप जानते ही हैं चाहे वो रीजनिंग का हो सर करवा देंगे साइंस का मैम करवा देंगे और जीके का पूरा पोर्शन हम कंप्लीट करवा देंगे आपको तो टेंशन लेने का तो कोई ज़रूरत नहीं है अब आप बोलेंगे मैम चार हजार नौ सौ निन्यानवे का क्यों बैच है तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं आप यहाँ पे एक कूपन अप्लाई कर सकते हैं वाई थ्री थ्री टू और वाई थ्री थ्री टू को हम अप्लाई करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए कूपन हमने अप्लाई किया है वाई थ्री थ्री टू वन वन फोर नाइन रुपीज़ में आपको ये पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे फिर आप व्यू ऑफर्स में जाएं गेट इंजीनियरिंग एग्जाम में जाएं एसएससी जेई में जाएं और ये टेक का भी है जैसे मैकेनिकल में टेक और टेक और नॉन दोनों मिला हुआ है आपको मिल जाएगा यहाँ पे व्यू ऑफर्स में जा सकते हैं पे सीधे कोड यूज कर सकते हैं कौन सा वाई थ्री थ्री टू और अप्लाई कर सकते हैं तो टू थाउजेंड सिक्स में आपको ये बैच भी मिल जाएगा फिर आपको कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करके अपना नाम नंबर डालना है नाम नंबर डाल के पेमेंट कर देना है तो ये सब मिल जाएगा लेकिन हाँ महापैक में फ़ायदा है कि एक से अधिक एग्जाम का तैयारी होता है साथ ही साथ महापैक में एक और फ़ायदा है कि मान लीजिए कि आप सिविल में कुछ पढ़ हैं साथ ही साथ आपका दूसरा सब्जेक्ट भी चल रहा है तो महापैक इज जनरली ज़्यादा फ़ायदा होता है मैं हाँ पैक पे नौ बजे सुबह मेरी क्लास चलती है नौ बजे सुबह ठीक है चलिए थैंक यू फॉर द सेशन मिलते हैं हम लोग कल बारह बजे और उसको भी शॉर्ट ही रखेंगे जल्दी से स्टेट एग्जीक्यूटिव को कंप्लीट करेंगे थैंक यू स्टेट तो हो गया लेजिस्लेटिव को करेंगे ठीक है